चीनी किचन में हर वक्त मौजूद रहने वाली चीजों में से एक है, क्योंकि मीठा खाना किसे पसंद नहीं होता, जबकि चाय भी इसके बगैर अक्सर अफराद को बेमजा लगती है। मगर क्या आपको मालूम है कि चीनी मीठा खाने की तस्कीन से हटकर भी बहुत कुछ ऐसा कर सकती है जिसका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। दाग धब्बों से निजात दिलाने से लेकर ब्यूटी ट्रीटमेंट तक चीनी को मुख्तलिफ मसाइल से निजात दिलाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और हजारों रुपए का खर्चा बचाया जा सकता है। एक चम्मच चीनी को अपने पसंदीदा शैम्पू में शामिल करके बालों को धोना उसे मामूल के मुकाबले में ज्यादा साफ और चमकदार बना सकता है। और कौन होगा जो साफ और चमकाते बालों को पसंद नहीं करेगा? तहम यह तरीका हर बार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि महीने में एक से दो बार से ज्यादा ना आजमाएं। चीनी और गर्म पानी को मिलाकर पेस्ट बनाएं और उसे दाग धब्बों पर लगाएं। इस मिक्सचर को 1 से 2 घंटे तक के लिए लगा छोड़ दें और फिर कपड़े को मामूल के मुताबिक धो लें। मुख्तलिफ तहकीकी रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी को जख्म पर धोने और ड्रेसिंग से पहले छिड़कना बैक्टीरिया को मारने में मदद देता है, जो जख्मों को जल्द ठीक नहीं होने देते। बैक्टीरिया को नशोनुमा के लिए नमी की जरूरत होती है, जबकि चीनी जख्म में से पानी को खींच लेती है। गर्म चाय या खाने ने जबान को जला दिया है? अगर ऐसा तजुर्बा हो तो चुटकी भर चीनी को चूस लें, उससे फौरी रिलीफ में मदद मिलेगी। शहद की मक्खियों के डंक या कीड़ों का काटना तकलीफ देह होता है, इससे निजात के लिए चीनी और पानी की यकसा मिकदार को मिक्स करें और मुतासिरा जगह पर 20 मिनट तक लगा रहने दें। 1 चम्मच चीनी खाना हिचकियों की रोकथाम में मददगार साबित होता है। थोड़ी सी चीनी को होंठों पर लिपस्टिक लगाने के बाद छिड़कें, 1 मिनट तक इंतजार करें और फिर खा लें। चीनी लिपस्टिक में मौजूद नमी को चूस लेगी और उसकी रंगत को भी बेहतर कर देगी। 3 चाय के चम्मच चीनी को 2 चम्मच सिरके के साथ गर्म पानी में मिलाएं और फिर गुलदान में डाल दें। चीनी फूलों की जड़ों को गिजा फराम करेगी, जबकि सिरका बैक्टीरिया की रोकथाम करेगा। चीनी और बेकिंग पाउडर को यकसा मिकदार में मिक्स करें और इस मिक्सचर को हर उस जगह पर छिड़क दें जहां कीड़ों या लालबे की मौजूदगी का शुबा हो। चीनी कीड़ों को अपनी जाने मुतवज्जा करेगी, जबकि बेकिंग पाउडर उनका खात्मा करेगा। इसी तरह 1 चम्मच चीनी को 1 चम्मच सुहागे के साथ 1 कप पानी में मिलाएं और इस मिक्सचर पर रुई को भिगो दें। रुई के इन टुकड़ों को कीड़ों से मुतासिर जगह पर लगाएं। YouTube पर Google TV देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google TV टाइप करें। Google TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।